जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर अल्लाहु अकबर। जय हिंदू राष्ट्र, जय भारत। ये संविधान विरोधी है, संविधान विरोधी है। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। आप देख रहे हैं वतन समाचार, मैं हूं मोहम्मद अहमद। इन दिनों सोशल मीडिया पर जैसे ही पार्लियामेंट का सत्र, 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हुआ और मेंबरों के हलफ बर्दारी लेने का, मेंबरों के ओथ लेने का सिलसिला शुरू हुआ, लगातार कई सारी खबरें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। सबसे पहले तो असदुद्दीन ओवैसी के हलफ लेने का अंदाज सोशल मीडिया पर सुर्खियों में है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं असदुद्दीन ओवैसी, जिसे लोकसभा का रुकन मुंतखब किया गया है और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ, इसके फ़राइज़ और वफादारी से अंजाम दूंगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर अल्लाहु अकबर। जिस तरह से उन्होंने अपने हलफ बर्दारी की शुरुआत नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से की और ये बताने का प्रयास किया, और साथ में जैसे उन्होंने अंत में जय भीम, जय मीम और जय फिलिस्तीन का नारा भी लगाया। ये नारा कितना सही है संसद के अंदर लगाना एज अ ओथ लेते हुए या गलत है, इसका फैसला तो संसद को करना है, स्पीकर को करना है या उस वक्त के जो प्रोटेम स्पीकर थे उनको करना है। लेकिन सवाल ये है कि उसके बाद जिस तरह से जो मुस्लिम सांसद थे, चाहे वो मौलाना महबूबुल्लाह नदवी हों, चाहे वो इकरा हसन हो, आप उनके शपथ लेने का, ओथ लेने का अंदाज देखिए। मैं इकरा चौधरी, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। मैं मोहिबुल्ला, जिसे लोकसभा का रुकन मुंतखब किया गया है, खुदा के नाम से हलफ उठाता हूं कि मैं भारत के आइन पर, जो कानून के बमूजिब तय पाया है, एतिकाद रखूंगा और उसका वफादार रहूंगा। मैं भारत के इख्तदार आला और सालमियत को बरकरार रखूंगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूं, उसके फ़राइज वफादारी से अंजाम दूंगा। कि उनके अंदाज में ना बिस्मिल्लाह है ना अल्लाह के नाम से वो हलफ ले रहे हैं, जिस तरह से वो एक तरह से ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका धर्म से कोई वास्ता नहीं है, उनका किसी कम्युनिटी से कोई वास्ता नहीं है या अल्लाह के नाम पर या ईश्वर के नाम पर, क्योंकि बहुत सारे लोग, जिस तरह से आपने देखा होगा कि बीजेपी के एक सांसद, जिसको मैं छत्रपाल सिंह गंगवार, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। जय हिंदू राष्ट्र, जय भारत। ये संविधान विरोधी है, संविधान विरोधी है। कि उन्होंने संसद में हिंदू राष्ट्र की जय की बात कही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप संसद में हलफ ले रहे हैं, संसद में सेकुलरिज्म की हलफ ले रहे हैं, संविधान की हलफ ले रहे हैं और भारत एक सेकुलर डेमोक्रेटिक सेटअप है। अब वहाँ पर अगर आप संसद के अंदर ओथ लेते हुए हिंदू राष्ट्र की जय की बात करते हैं तो ये कहाँ तक उचित है? इस पर किसी को कोई सवाल, गोदी मीडिया से लेकर रोगी मीडिया तक तमाम के तमाम चैनल खामोश हैं, तमाशाई बने हुए हैं और वो लगातार असदुद्दीन ओवैसी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम युवाओं की तरफ से उसका जवाब देने की कोशिश हो रही है कि असदुद्दीन ओवैसी ने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया है। अब जय फिलिस्तीन का नारा अगर देखें तो फिलिस्तीन पर अटल बिहारी वाजपेयी का बहुत स्पष्ट मत था कि फिलिस्तीन पर फिलिस्तीनियों का पहला अधिकार है, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। खुद इस देश के बापू महात्मा गांधी का साफ संकेत था कि फिलिस्तीन पर फिलिस्तीनियों का उसी तरह से हक है
जैसे अंग्रेज़ों का अपनी सरजमीन पे हक है। भारत लगातार फिलिस्तीन का दोस्त रहा है, लेकिन इस पूरे चुनाव में जिस तरह बीजेपी को घेरा गया और बीजेपी को घेरने का प्रयास हुआ, और लगातार राहुल गांधी अपने शपथ लेने के दौरान भी और संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी संविधान दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं, संविधान की रक्षा करते हुए नज़र आ रहे हैं, और वहीं पर बीजेपी का एक नेता हिंदू राष्ट्र की जय की बात कर रहा है। जय हिंदू राष्ट्र, जय भारत। ये संविधान विरोधी है, संविधान विरोधी है, ये बात इस पे अस्पष्ट संकेत कहीं ना कहीं भाजपा के लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो संविधान को नहीं मानते हैं। अगर आप संविधान को मानते हैं तो इस हलफ बर्दारी का क्या मतलब है कि आप हिंदू राष्ट्र की जय की बात कर रहे हैं? आप हिंदुस्तान की जय की बात कर सकते हैं, आप भारत की जय की बात कर सकते हैं, जिस स्टेट से आते हैं उस स्टेट की जय की बात कर सकते हैं, लेकिन एक सेकुलर डेमोक्रेटिक सेटअप की आप जय की बात करते हैं, उसको हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं, तो क्या दलित समाज जो लगातार पहले से भयभीत है, जो वो समाज जो वंचित है, शोषित है, पीड़ित है, पिछड़ा है, बैकवर्ड है, दबा हुआ है, पिछड़ा समाज है, वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेगा और आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं इस ओथ की कीमत भारतीय जनता पार्टी को चुकानी पड़ेगी, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो। तो ये कहीं ना कहीं एक संदेश है दलित समाज को, शोषित समाज को, पीड़ित समाज को, वंचित समाज को देने की कि आप कितना भी संविधान की बात कर लें, हम संविधान को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नहीं मानते हैं। अब तय जनता को करना है कि हिंदू राष्ट्र की जय होनी चाहिए या भारत की जय होनी चाहिए या सेकुलर राष्ट्र की जय होनी चाहिए या डेमोक्रेटिक सेटअप की जय होनी चाहिए, फैसला जनता को करना है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दें और देखते रहिए वतन समाचार।